को आगे करती है, ये सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। अरे ये सरकार से करे से करे उद्धव ठाकरे अरे तिगाड़ी सरकार से करे से करे भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी तर्फे पूर्ण महाराष्ट्रात मंदिर मस्जिद दरगाह गिरजाघर चर्च और गुरुद्वारा ये खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन छेड़ा है। महाराष्ट्र की तिगाड़ी सरकार ये धार्मिक स्थलों को बंद कर कर लोगों को नास्तिकता की ओर ले जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे शहर के अध्यक्ष संजय केनेकर और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के अजय अजय देशमुख साहब, इन्होंने हमको आदेश किया है कि दरगाह के सामने मस्जिद के सामने जाकर जो है तो सरकार के खिलाफ नारे लगाओ और नारे लगाकर इस राज्य के मुख्यमंत्री को चेतावनी दो कि वो मंदिर मस्जिद दरगाह इसके ऊपर जो तो एक्शन लेकर इसको खुला कर दे ताकि लोग मतलब आस्तिक बने नास्तिक ना बने। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरे महाराष्ट्र में दरगाह मंदिर मस्जिद खोलने के लिए चर्च वगैरह खोलने के लिए आज उद्धव सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतरे हुए हैं। दरगाहों पर मस्जिदों के सामने मंदिरों के सामने आज आंदोलन किया जा रहा है। उसका मकसद गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं है। लोग जो भगवान की आस्था में रहते उनको इसकी तकलीफ है, वो परेशान हो रहे हैं। दरगाहों पर फूल वाले शिरनी वाले गोर गरीब इनका धंधा मारी की उपासमारी का टाइम आ गया है। इसके लिए हम ये आंदोलन करके हमारे महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाह रहे हैं, एक निवेदन देना चाह रहे हैं कि वो इन गरीबों के तरफ ख्याल करें। जो दरगाहों से रोजी रोजगार कमाते हैं उनकी उपासमारी की टाइम आया हुआ है, उनके लिए कुछ किया जाए। इस विषय में आज हम ये दरगाह के सामने हमारा जो दरगाह खोलने का आंदोलन हमी सभी पदाधिकारी और हमारे सारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी आज इस पे काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।